ये नमाज हमद है, सना है, नात है, मनकबत है, मगर आपकी तसनीफ नहीं है, किसी शायर की तसनीफ नहीं है, किसी अदीब की तसनीफ नहीं है, किसी हम में से उभर कर आगे बढ़ने वाले मुज्तहिद की तसनीफ नहीं है, किसी आरिफ की तसनीफ नहीं है, किसी सूफी की तसनीफ नहीं है। नमाज तसनीफ है तो मोहम्मद की तसनीफ है। अमल मुस्तफा है नमाज, सीरत मुस्तफा है नमाज। इसमें कोई कमी कर सकते हैं तो मुस्तफा, कोई इजाफा कर सकते हैं तो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फरमाया हम तो बंदगी के लिए पैदा हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि मौला अली का नाम लेने से नमाज बातिल हो जाती है, नहीं, नाम लेने से नमाज बातिल नहीं होती, सुने जुमला, नाम लेने से नमाज को मेराज हो जाती है, मगर वैसे नाम लो जैसे नाम लेने के लिए कहा गया है। हम कुनूत में नाम लेते हैं, हम रुकू में नाम ले सकते हैं, हम सजदे में नाम ले सकते हैं, मगर उन आदाब के साथ जो आदाब सिखाए गए, जो जुमले सिखा दिए गए, अपने तरफ से कोई जुमला क्वाइन नहीं कर सकते। तवज्जो रहे, अब वो जुमले सिखाए गए, उन जुमलों का इल्म किसे है? उलमा की तकलीद करें। अल्लाह तक पहुंचने के लिए रसूल तक पहुंचना जरूरी है, रसूल तक पहुंचने के लिए अली तक पहुंचना जरूरी है, अली तक पहुंचने के लिए सलमान और अबू जर तक पहुंचना जरूरी है। निजाम है, विलायत का निजाम, विलायत की हकीकत मुनहसिर है ज़ाते अहदी में। इन्नमा वलियुकुम अल्लाह व रसूलुहु, अल्लाह की जात में विलायत मुनहसिर है। अल्लाह है वली, और उसके बाद वो वली है जिसे अल्लाह वली बनाए। तो अल्लाह का रसूल वली है, अल्लाह के रसूल के बाद अली वली है, अली के बाद अइम्मा वली हैं, और अइम्मा के बाद वो मुज्तहिदीन और फुकहा विलायत रखते हैं जो आदिल फुकहा हैं। आदिल यानी अमानतदार, आदिल यानी वफादार, मुज्तहिदीन फुकहा, मुज्तहिद जामे शरायत, उनकी तकलीद के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप कहते हैं तकलीद बयात है, नहीं, बेमारिफती है आपकी। मुज्तहिद की तकलीद होती है, बयात नहीं होती। इमाम की बयात होती है, तकलीद नहीं होती। से पैदा हो गए साहब, हम तो उलमा को जानते ही नहीं, हम तो बराह रास्त इमाम जमाना की तकलीद करते हैं, उसकी तकलीद करते हैं जिसे देखा नहीं, जिसे देख नहीं सकते। इमाम की तकलीद नहीं होती, इमाम की तो बयात होती है। इमाम के हाथों पर नफ्स को बेचा जाता है, बयात यानी नफ्स को बेच देना। मुज्तहिद की तकलीद होती है, बयात नहीं होती, इसलिए कि मुज्तहिद मासूम नहीं होता। मुज्तहिद के हाथ हम अपना नफ्स नहीं बेच सकते। मुज्तहिद की तकलीद होती है, यानी मुज्तहिद से पूछते हैं, उसके पूछ कर अमल करते हैं, यानी मुज्तहिद की तकलीद हमारे नफ्स की तरबियत करती है, हमारा नफ्स इस लायक हो जाए कि इमाम के हाथों बेचा जा सके।